हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ब्लूटूथ म्यूजिक स्पीकर के बारे में बताने वाला हूँ प्रोग्राम और इसका सलूशन किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं इजी रूप से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे पास ब्लूटूथ डेस्कटॉप स्पीकर है जो इस प्रकार से टावर शेप में आया है। तो इसका रिपेयरिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपका प्रॉब्लम होता है ब्लूटूथ स्पीकर में। तो जनरली ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है साउंड आपका स्पीकर कट जाता है या बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा इरर केस में ही आपका जो ब्लूटूथ स्पीकर का जो होता है किट वो डैमेज हो जाता है। तो इसे किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सलूशन कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए ब्लूटूथ स्पीकर है तो आपको सिंपल सा अगर आपका कार्ड से प्रॉब्लम आता है या बटन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है या यूएसबी से, तो आपको यहाँ इस सेक्शन को आपको ओपन करना होगा। तो इस सेक्शन को ओपन करने के लिए जनरली जो इस शेप में आता है ब्लूटूथ उसका यहीं पर दो स्क्रू रहता है, यहाँ पर या ऊपर में स्क्रू रहता है। ज़्यादातर आपको यहाँ पर ही दो स्क्रू मिलेगा, एक यहाँ। तो फिलहाल मैंने ये दोनों स्क्रू को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको इसको किस प्रकार से इसको निकालना है। अगर बॉटम रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आपको इस जगह से आपको इस प्रकार से स्लाइड कर आपको बाहर की ओर इस प्रकार से खींचना है जिससे आपका ये बाहर की ओर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आकर आपका प्रॉब्लम आता है तो इसे आप ओपन करके कर सकते हैं। फिलहाल इस स्पीकर में जो प्रॉब्लम है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जब ये ऑन मैं इसे करता हूँ तो इससे आवाज़ नहीं आता है, ये इसका प्रॉब्लम है, ऑन नहीं हो रहा है। और ये चार्जर से जब इसे मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है स्पीकर, इसका ये प्रॉब्लम है। तो देखिए आप लोग को दिखा दे रहा हूँ इस प्रकार से होता है। देखिए मैं इसे अभी फिलहाल ऑफ है, इसे ऑन कर रहा हूँ तो देखिए कोई भी लाइट नहीं जल रहा है इसमें। और जब इसे मैं चार्जर से कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं तो देखिए इसमें लाइट चलना स्टार्ट हो गया और ये ऑन हो जा रहा है। तो इसका मेन जो प्रॉब्लम है ये चार्जिंग नहीं दे रहा है बैटरी को या इसका बैटरी ही डैमेज हो चुका है, दो स्थिति हो सकता है। तो फिलहाल मैं बैटरी को दूसरा लगा कर देख चेक कर लूँगा कि ये ऑन हो रहा है या वर्क कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं ये ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और ये वर्क करेगा। तो चलिए ये प्रॉब्लम इसका है बैटरी से। तो बैटरी का प्रॉब्लम किस प्रकार से करते हैं और अगर स्पीकर का हो तो किस प्रकार से उसका प्रोग्राम का सोल्यूशन कहाँ पर खोलकर इसका कर सकते हैं। तो देखिए ये साइड से तो ओपन नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये साइड से ओपन करने की जबरदस्ती आप लोग को नहीं करना है। जो ओपन करना है आप लोग को ये साइड से ओपन करना है, जो ये ब्लैक का लगा हुआ रहता है जाली ऊपर की ओर से, इसको आपको रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार से स्क्रू ले लेना है या आपके पास चिमटी हो तो इस प्रकार से इसका जो है इस प्रकार से इसे रिमूव कीजिएगा। इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार की आगे को धक्का दीजिएगा थोड़ा सा दबाकर, जिसे आपका ये जाली है जो बाहर की ओर आ जाए। तो चलिए इसे मैं निकाल ले रहा हूँ, मैंने काफ़ी पहले खोल लिया था थोड़ा, और इसे आप आराम से इस प्रकार से आगे की ओर से निकाल लीजिए। ये जाली निकल चुका, उस पर से एक कवर लगा हुआ इसे भी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए आपका स्पीकर इस प्रकार से ओपन हो चुका है। तो इसमें आपको जितना सारा स्क्रू लगा हुआ ओपन करना है जिससे आपका ये अंदर का इसका खुल जाए। तो चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाहर रहेगा तो टूटने का डर है। तो चलिए मैं इसे लगा ले रहा हूँ, चलिए मैं इसे लगा लिया। अब इसे स्क्रू का ओपन कर लेना, तो चलिए मैं सारा स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। आपका बैटरी यहाँ से चेंज हो सकता है और स्पीकर से प्रॉब्लम आया तो इस जगह से आप जाकर इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारा स्क्रू इसका फिलहाल रिमूव कर ले रहा हूँ। इसका खोलने का तरीका सेम यही है, वो आगे की ओर से ये कभी भी रिमूव नहीं होगा जब तक कि आप इस वाला सेक्शन में आप पूरा का पूरा स्पीकर का स्क्रू नहीं खोल लेते आप लोग। चलिए टोटल स्क्रू मैंने ओपन कर लिया इसका,
साइड में इस प्रकार से रख दीजिए। और देखिए अब ये जब ओपन पूरा कर लीजिएगा उसके बाद ही ये आगे की ओर रिमूव होगा, तो आपको सिंपल सा इस प्रकार से रिमूव करना है। देखिए काफी आराम तरीके से ये खुल गया, देख सकते हैं आप लोग। तो टोटल स्पीकर का भी देख सकते हैं काफी हैवी स्पीकर इसमें लगा हुआ है। इसका जो वूफरिंग करने के लिए दो ठो इस प्रकार से दिया गया है। इसका देखिए लिथियम बैटरी एक लगा हुआ है। तो मेन जो मेरा प्रॉब्लम है लिथियम बैटरी से प्रॉब्लम मेरा, क्योंकि ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसे मैं रिमूव कर दूंगा और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लू गन से चिपकाया हुआ है बैटरी, तो फिलहाल मैं इसे रिमूव कर लूँगा और रिमूव कर इसके जगह न्यू बैटरी इसमें लगा दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, जिससे ये मेरा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ और इसे रिमूव कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने बैटरी को रिप्लेस कर दिया है और इसे मैं अब ग्लू गन की सहायता से चिपका दूंगा इसको इस प्रकार से। ये ग्लू गन है मेरा, तो इसके जरिए मैं बैटरी को फिक्स कर ले रहा हूँ ताकि बैटरी इधर बाहर की ओर ना निकले। अभी इस तरह से ग्लू गन हो तो उसके सहायता से बैटरी को अच्छी तरह से इसमें फिक्स कर लीजिएगा ग्लू गन लगाकर, ताकि बैटरी अच्छी तरह से इसमें अटैच रहे और बाहर की ओर ना आए बैटरी। तो चलिए मैं अच्छी तरह से ग्लू गन इसमें सहायता से मैं कर ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैंने काफ़ी ग्लू इसमें लगा दिया, ये बैटरी अब हिलेगी नहीं। तो अभी इस प्रकार से आपका ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आता है तो उसका सलूशन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने काफ़ी ग्लू गन दे दिया, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। ग्लू इसमें चिपक चुका है इस बैटरी में, और चलिए मैं इसे अब ऑन करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि साउंड इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका। तो आपको इस प्रकार से आराम से इसे लगा लेना है। चलिए मैं लगा लिया, अब देखिए मैं इसी को ऑन करके आप लोग को इसका साउंड सुनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे ऑन कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं कनेक्टेड भी ले लिया। तो आपका भी अगर इस प्रकार से इशू आता है बैटरी से रिलेटेड, तो आप इस प्रकार से आगे की ओर इसका पूरा स्क्रू खोलने के बाद आप बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं और अपना ब्लूटूथ रिपेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो ये आवाज़ करिए, देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप अपना घर पर इजी रूप से अपना ब्लूटूथ अगर आपका खराब होता है तो आप इसे रिप्लेस और कोई भी समस्या आती है तो उसे आराम से बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही था दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे आगे से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में फिलहाल बस यही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।